subscribe our channel and click my bell icon for notification. Assalamualaikum viewers. आज मैं बना रही हूँ हनी चिली पोटैटोस। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए सबसे पहले पोटैटोस ले लें। दो मैंने लिए हैं, अपने फिंगर्स की शेप में कटिंग कर ले आप। और इसे कोटिंग करने के लिए कॉर्नफ्लोर चाहिए और वाइट फ्लोर इसमें है 2 टेबलस्पून और 2 ही टेबलस्पून इसमें कॉर्नफ्लोर है। और इसकी सॉस बनाने के लिए हमें चाहिए कैप्सिकम चाहिए, 1 कैप्सिकम है जिनको कटिंग भी कर लें। और इसमें ये प्याज है, अनियन बिल्कुल चॉप किया हुआ और चॉप किया हुआ इसमें गार्लिक है। और इसमें हमें सॉस के लिए हमें चाहिए पहले वाइट मिलिक है और चिली सॉस चाहिए 1 टेबल स्पून इसमें सोया सॉस चाहिए और 2 टेबल स्पून इसमें टमाटो केचप चाहिए, 1 टेबल स्पून शुगर चाहिए, 1 टेबल स्पून की हनी चाहिए और टू टेस्ट इसमें आप सॉल्ट डालें और इसमें हमें चाहिए चिली फ्लेक्स चाहिए। चिली फ्लेक्स इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हनी पोटैटोज हैं और चिली के साथ इसके, तो हम सबसे पहले इसकी कोटिंग कर लेते हैं। फिर इसमें हाफ टी स्पून आप ये सॉल्ट डालें, स्प्रिंग कर लें और 2 टेबल स्पून ये वाइट फ्लोर है टेबलस्पून ही इसमें कॉर्नफ्लोर है प्योर। जब हमने तीनों चीज़ें लगा के इसको मिक्स कर लिया है, कॉर्नफ्लोर वाइट फ्लोर और सॉल्ट मिक्स कर लिया, इसे फ्राई करेंगे, डीप फ्राई करेंगे फ्राइज की तरह। से मेरे जो हमने इनको फ्राई कर लिया था मसालों को, अब हम इसमें एक पैन लेते हैं, उसमें ऑयल डाल के उसे गर्म कर लेते हैं। खाना स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम इसमें ये गार्लिक चॉप किया हुआ डाल देते हैं। और इसमें हम ये अनियन डाल देते हैं। हल्का सा फ्राई कर लिए अनियन को, अब हम इसमें ये चिली ग्रीन चिली ऐड कर देते हैं और फ्राई कर लिए। और इसमें ये कैप्सिकम हम निकालते हैं, फिर भी डाल देते हैं, हल्का सा फ्राई कर देते हैं। 2-3 मिनट इसको हमने फ्राई कर लिया, अब हम इसे अपने स्पाइसेस डालते हैं। सबसे पहले हम इसे सॉल्ट डालेंगे, सॉल्ट इसमें आपको टेस्ट डाल दें हाफ टी स्पून तक बहुत है क्योंकि हमने पोटैटोस में भी डाला था, और 1 टेबल स्पून इसमें चिली फ्लेक्स जिसे हम पकौड़ा मिर्च भी कहते हैं डाल के हल्का सा फ्राई करें। 1 टेबल स्पून इसमें व्हाइट विनेगर, 1 टेबल स्पून ही इसमें ये चिली सॉस, 1 टेबल स्पून स्पाइसेस और सॉसेस डाल के इसको हल्का सा फ्राई किया। इसमें 2 टेबलस्पून केचप, 1 टेबलस्पून इसमें शुगर, 1 ग्लास एंड 1½ ग्लास इसमें आप ये वाटर डाल दें
वाटर डाल के ये ग्रेवी सी बना देंगे। वन ग्लास मैंने तो इसमें डाल दिया, आप इसे थोड़ा कम भी डाल सकते हैं। ग्रेवी पे आपने डिपेंड करता है कि आपने ग्रेवी कितनी बनानी है, आप उसके अकॉर्डिंग ही डाल दें। टू टेबल स्पून वाटर में, वाटर इसमें टू टेबल स्पून की आपने कॉर्न स्टार्च डाल दें, उसके डाल के इसकी पेस्ट बना लें। क्योंकि हमने इसे सब चीज़ें डाल के पानी डाल के इसको बॉईल करने रख दिया था, जैसे कि बॉईल आ रहा है, कवर करके रख दिया था हमने इसको। अब ये इस तरह बॉईल आ गया है। अब इसमें हमने जो कॉर्नफ्लावर का पेस्ट बनाया हुआ था वो उसमें हम स्लोली स्लोली डालते जाएंगे। फिर इसकी आप थिकनेस देख लें, आपके कितनी चाहिए उसके अकॉर्डिंग ही आप इसमें कॉर्नफ्लावर डालें। देखिए थिक हो गया, काफी थिक हो गया। आप इतना ही रखेंगे, ऐसे कम रखना है तो आप इसे कम कर लें। ये ग्रेवी सी बन गई है, ऐसी ही ग्रेवी है जैसे मंचूरियन की होती है। अभी इतना हो गया, तो स्पून इसमें हम ये हनी डाल देंगे। फिर इसमें यह हनी डाल दिया, हम इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। ये बन गया, ग्रेवी बन गई है। अब इसमें जो हमने फ्राई किए हुए फ्राई से टोमेटोस ये हम थोड़े थोड़े करके करते हैं। फिर हमने इसको फ्राई डाल के हमने इसको मिक्स कर लिया हल्का, तो मिक्स करें ज्यादा ना करें कि बिल्कुल इकट्ठे हो जाए, बिल्कुल खिले खिले से रहें। और इसके फ्लेम ऑफ कर दें और इसे डिश ऑफ करते हैं। अब तो ये हमारे हनी चिली पोटैटोज रेडी हैं। आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।